चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ दर्शाइए कि ए टू ए वन कॉमा ए टू डॉट डॉट ए एन, ए से एक एपी बनती है, एक एपी बनती है, एपी का क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ। अभी ए एन नीचे दिए गए हैं, ए एन को नीचे दिए गए हैं, ए एन बराबर थ्री प्लस फोर एन, टू नंबर में क्या दिया, ए एन बराबर नाइन माइनस फाइव एन दिया हुआ। कहता है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पंद्रह पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम पंद्रह पदों का योग मतलब क्या हो गया, एस पंद्रह। कहता है दर्शाइए कि ए टू ए वन कॉमा ए टू डॉट डॉट ए एम से एक एपी बनता है, ए एपी का ऐसा श्रेणी दिया हुआ ना बनती है। यदि ए एन नीचे के अनुसार, ए एन नीचे के अनुसार तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले बाउल हाल लिखेंगे, हाल लिख दिए, पहले नंबर वन में चलते, किस में चलते हैं, नंबर वन, यहाँ हाल नंबर वन के हाल लिखेंगे। क्या दिया हुआ हैव, हैव गिवन यानी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, दिया हुआ ए एन बराबर थ्री प्लस फोर एन दिया हुआ है। इसको क्या बनाना है, एपी बनाना है, क्या बनाना है, एपी बनाना है, क्या बनाना है, एपी बनाना है, क्या बनाना है, एपी। एपी जब बनाना है तो वो रहा ए को ए वन कॉमा ए टू और ए एन से एक एपी बनती है, ए एन नीचे दिया हुआ है ए टू से एपी बनाते हैं। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की एन बराबर वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर डॉट डॉट डॉट। तो मैं माने तो इसको जहां तक मान लो, क्या मान लो, जहां तक मान सकता है, बात समझ में आया, तुम्हारा इच्छा इसको जहां तक मान सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बात समझ में आ गया। आप समझिए एन बराबर जब हम वन लेते हैं, क्या लेते हैं वन, तो इसको ऐसे कर देते हैं, हम वन में लेते हैं डायरेक्ट, पहले क्वेश्चन लिखते ए एन बराबर थ्री प्लस फोर एन, अब एन बराबर क्या लेते हैं वन लेते हैं, क्या लेते हैं वन, एन बराबर क्या लेते हैं वन, तो ए आई एन की जगह पे क्या आ जाएगा वन होगा, क्या डाउट है इसमें, नोटन की चल रहा नहीं ना, ना। बात समझ में, तो थ्री और प्लस क्या हो जाएगा फोर अगुने वन बराबर हो जाएगा थ्री और प्लस फोर बराबर सात, यहां पर डाउट में नहीं ना। आप फिर क्वेश्चन लीजिए ए एन, ए एन बराबर क्या हो जाएगा थ्री प्लस फोर एन, अभी ए बराबर क्या लेते, एन बराबर क्या लेते, टू ले लेते हैं, तो ए टू बराबर हो जाएगा थ्री ए प्लस फोर गुने टू, तो हो जाएगा थ्री ए प्लस एट बराबर अलेवन, होगा कि नहीं, बात समझ में आ गया। अब चलिए उधर चलते हैं, क्या चलते हैं भैया, चलिए अभी ए थ्री ले लेते, क्या ले लेते हैं ए एन बराबर क्या दिया हुआ थ्री ए प्लस फोर एन, बात समझ में आया, याद डाउट, एन के जगह पे अभी टू लिए थे, अभी क्या ले लेते हैं थ्री ले लेते हैं, थ्री ले लिए थ्री प्लस फोर गुने थ्री बराबर थ्री प्लस टू पंद्रह। अब देखिए हमको लग रहा है, हमको लग रहा है नोटन की चल रहा है, अब लिखेंगे एपी बराबर, एपी देखिए बंद है ना, एपी क्या बन रहा है सात ग्यारह पंद्रह डॉट डॉट, आप कुछ भी बन सकता बनाने की इच्छा रह जाता हूं। हमको क्या करना था एस पंद्रह, एस और एस पंद्रह बराबर फॉर्मूला आता है एन बाई टू, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन होता होता है कि नहीं, इसमें डाउट, और एन बाय टू इंटू टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी होता ना, बात समझिए। अब हमको ए का मान निकल जाएगा, बी का मान निकल जाएगा, और एन प्रथम एन पदों का योग,
तो प्रथम n पदों का योग 15 पदों का योग है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15, तो a का रिमान है अज्ञान, b का रिमान निकल जाएगा, n का मान निकल गया, तो आप s 15 बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, जब यहाँ लिख सकते हो तो a बराबर क्या दे सकते हैं 7 और b बराबर दे सकते हैं 11 माइनस 7 बराबर 4 हो गया, आया ना? अब मैं टंकी शुरू करती, क्या शुरू करते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप समझिए क्या रहेगा? एस 15, एस 15 बराबर क्या आता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी हो गया, एन के जगह पर क्या रहेगा 15 बाई टू इंटू टू मल्टीप्लाई ए का मान कितना है 7, तो 7 प्लस प्लस एन, एन का मान 15 है, दोनों माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर 4, 15 बटे 2 इंटू 14 प्लस 14 चक्का 56 हो गया, 15 बटे 2 गुना इसको इसको गुना 70 70 चुप चलिए आप कितना आएगा? एस 15 हमको लाना है, एस एस 15, तो एस 15 बराबर हो जाएगा, देखिए इससे माइनस की कितना है 14, 14 गुना 4 कितना आएगा 56, छप्पन में जोड़ देंगे कितना 14 क्या आएगा 70, इससे से काट देंगे कितना 15, 15 अगुना 35, तो आप कहेंगे 35 अगुना 525,